प्रियता छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति अंबर के।
पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं प्रभु संग संग बाबा यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते ओम शांति आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच तो दूर से क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर पंडाल सजे हुए हैं और उस पंडाल के चारों ही तरफ लाइटिंग और सामने से अनेक भक्तों की लाइन लगी हुई है वो भगत आ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं किसके हाथ में फूल थे किसके हाथ में कई प्रकार की चीज़ें थी ऐसे ही वो चक्कर लगाते हुए जा रहे थे कुछ सेकंड के बाद देखती हूँ कि उन पंडाल में
भिन्न भिन्न प्रकार की देवियों के मॉडल्स थे और बहुत सुंदर मॉडल्स दिखाई दे रहे थे और भगत उस मॉडल्स के आगे कुछ मॉडल्स ऐसे थे जो मूविंग मॉडल थे, कुछ थोड़े सजे हुए थे और कुछ मॉडल ऐसे थे सिंपल भी थे परंतु उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद दूर से बाबा को आते हुए देखा, बाबा के साथ कुछ महारथी भी दिखाई दे रहे थे। तो जैसे बाबा नज़दीक आए तो बाबा बहुत मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे आज बाप अपने विशेष रत्नों को लेकर सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाया और भगत क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। आज बाप महारथी विशेष रत्न और सब बच्चों को ये दृश्य दिखा रहे थे। तो बाबा ने कहा, कुछ भगत ऐसे थे जो लगन में मगन थे, कुछ भगत ऐसे थे जो केवल नाम मात्र, कुछ ऐसे भगत थे जो केवल दर्शन करने के लिए, और कुछ भगत थे बहुत दुखी कि कुछ थोड़ा सा भी कामना उनकी पूर्ण हो या संकल्प पूर्ण हो। तो ये भक्तों का दृश्य बाप ने खुद भी देखा और बच्चों को दिखाया। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा, देखो भगत क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उसी समय क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे थे और बाबा ने उन बच्चों के सामने एक बहुत सुंदर सा तख्त और सब बच्चों को तख्त पे बिठाया और सब बच्चों का बाप ने खुद ही हाथ लगा करके बच्चों का श्रृंगार करके जैसे इष्ट रूप में और संपन्न रूप में दिखाते हैं उसी स्वरूप में बच्चों को बिठाया। तो जैसे ही बाबा ने बिठाया सबको तो उसमें कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो उस स्वरूप के अंदर टिके और कुछ ऐसे थे जो दूसरों को देखते थे तो उनका श्रृंगार जो है एकदम गुम हो जाता था। तो बाप दे रहे थे लेकिन उनका श्रृंगार गुम होता था और वो धीरे धीरे तख्त से उतर करके फिर सामने आकर के जैसे भक्तों की लाइन में आ जाते हैं ऐसे वो लाइन में खड़े हो जाते थे। तो बाबा ने कहा, देखो कि बाप हर बच्चे को अधिकारी संपन्न वरदाता रूप में बिठा रहा है। उस स्थिति में बाप बच्चों को हर समय बिठाते हैं लेकिन बच्चे अपने स्वरूप को भूल करके दूसरे की तरफ देखते हैं। तो जो बाप ने अधिकार दिए हैं और बाप ने जो बच्चों का श्रृंगार किया है वो श्रृंगार ऑटोमेटिकली ही अंदर मर्ज हो जाता है तो बाहर दिखाई नहीं देता है। तो बाबा ने कहा, अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो अपनी स्वस्थिति के आसन पर बैठना है, दूसरा बाबा ने जो अधिकार दिए हैं वरदान दिए हैं उन वरदानों का स्वरूप बन करके भक्तों को साक्षात्कार और उनकी मनोकामनाएं, बाप ने बच्चों को ऐसी अधिक वरदानों की सिद्धियां दी हैं उन सिद्धियों से खुद को संपन्न बनाना है।
बाबा ने कहा वो लोग सिद्धियों का भगत लोग या बाहर के लोग सिद्धियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन बच्चों को जो बाप ने सिद्धियाँ दी हैं उन सिद्धियों से सबको संपन्न और साथ साथ वरदानी स्वरूप बनाना है। तो फिर क्या देखते हैं कि इतने में ढेर भगत लोग बच्चों के जैसे देवियों के सामने आते हैं, और जैसे आते हैं तो कुछ कुछ देवियाँ ऐसी थी एक सेकंड के लिए प्रत्यक्ष होती थी, और कुछ ऐसे ही कुछ समय के लिए, और कुछ बिल्कुल दिखाई दे करके गुम हो जाती थी। तो बाबा ने कहा देखो बाप ने बच्चों को ऐसा बनाया है कि सदा ही प्रत्यक्षता का ऐसा स्वरूप हो कि कोई भी आए कब भी आए उसे प्राप्ति हो। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कुछ समय के लिए वो स्वरूप में टिकते हैं और कुछ समय के बाद उस स्वरूप से बाहर आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय ऐसा है ये स्वरूप खुद के लिए और दूसरों के लिए विशेष कल्याणकारी है, क्योंकि समय अनुसार जो माया के भिन्न भिन्न रूप आने वाले हैं इस संपन्न स्वरूप के द्वारा माया के भिन्न भिन्न रूप दूर से ही हट जाएंगे, नज़दीक नहीं आएंगे, और इस संपन्न स्वरूप द्वारा औरों को भी बाप का परिचय दे सकेंगे और भक्तों को भी अनुभव करा सकेंगे, अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा बाप जो है बच्चों को अधिकारी और संपन्न स्वरूप के लिए हर समय बच्चों को भरपूर करते हैं, तो उस स्वरूप उस स्थिति में रहें और दूसरों की तरफ ना देख कर के बाप को सामने रखें। बाप बैकबोन भी हैं, सामने भी हैं, साथी भी हैं, क्योंकि ये सारा कार्य बाप करा रहा है और शक्तियों द्वारा प्रत्यक्षता का कार्य बाप करा रहा है, तो बच्चों को इस बात का विशेष ध्यान देना है। फिर जैसे बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए रखा, तो आज बाबा ने क्या किया, सब देवियों को सामने प्रकट किया। तो बाबा जैसे कहा देखो भगत क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, पहले सोचते हैं अपने इष्ट को शक्तियों को स्वीकार कराएं। तो बाबा ने क्या कहा, आज बाप जो है अपने सेवा साथी, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सब सेवा साथियों के साथ ही भोग स्वीकार कराएंगे। तो जैसे ही बाबा ने भोग उठाया तो थे तो सब उसी सजे हुए रूप में, लेकिन बच्चे के रूप में, फरिश्ते के रूप में और ब्राह्मण के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो जैसे बाबा ने भोग उठाया तो सबके पास पहुंचा, तो बाबा ने कहा कि आज बाप जो है सभी बच्चों के साथ मिल करके ही भोग स्वीकार कराते हैं। तो बाबा ने उनको कराया और सब बच्चे बाबा को स्वीकार करा रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता कि एक दो को रिस्पेक्ट दे कर के, एक दो को साथ दे कर के चलते हैं तो हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है, और इस सफलता में प्रत्यक्षता भी है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।